Hello, good evening everyone and welcome to English by Heart. And as you can see, today I have come to meet one of my amigos, right? He is one of my amigos and hum dono saath mein alma mater mein padhe hain. And ye wah jagah hai jahan par I have spent my childhood, you know, after my school, not childhood, actually adolescent age, juvenile, right? And एज यू कैन सी आज हम अपने कलिनरी स्किल्स थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं. एंड इन कलिनरी स्किल्स के अंदर आप देख सकते हो दैट एक बारबेक्यू है. बारबेक्यू हम उसको तंदूर टाइप चीज़ को हम बारबेक्यू कहते हैं, राइट. इस पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे बारबेक्यू नेशन. तो जब भी अगर आप कभी कुछ स्मोकी है ना, मतलब कि तंदूर में कोयलों पर कुछ चीज़ पकी हुई हो, दैट इज़ कॉल्ड बारबेक्यू, राइट. एंड एज यू कैन सी ही इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग हिज कलिनरी स्किल्स दैट येस. सो ही हैज़ प्रिपेयर्ड दिस sumptuous, mouth-watering dish, right, for me. And this is, ये जो हैं ये starters होते हैं basically, right. आप जब भी कभी किसी जाते हैं होटल में, रेस्टोरेंट में, तब आप देखते होंगे कि राइट वहाँ पर स्टार्टर्स के अंदर आपको लिखा होगा पनीर टिक्का, राइट. सो इसके अंदर अब क्या क्या डाला है वो आप देख सकते हैं. देर इज़ अनियन, देर इज़ पनीर, देन कैप्सिकम. कैप्सिकम जो बच्चे नहीं जानते हैं, दैट इज़ ये हम शिमला मिर्च को हम कैप्सिकम कहते हैं. और जो मक्का है दैट इज़ कॉल्ड कॉर्न, CORN, राइट. सो इसके अंदर ये चारों उसने लगाए हैं. हम उसको ग्रिल कर रहे हैं. ग्रिल होता है जब आप इनको सरिया टाइप इनमें डालकर आप उसको करते हो, दैट इज़ कॉल्ड ग्रिल, राइट. ग्रिल मीन्स किसी को भी ऐसे कोयलों के ऊपर उसको ऊपर नीचे से अच्छे से सेकना, दैट इज़ कॉल्ड ग्रिलिंग, राइट. ओके. और ग्रिल बेसिकली होता है जब उसके नीचे कुछ ग्रिल्स लगी होती हैं. एम आई राइट वीनू? हाँ, ग्रिल्स के लिए वी नीड कि बेस में कुछ सलाख, मतलब वो सरिया ऐसे लेटे हुए भी हो, है ना. तो ग्रिल्स वो होती हैं जिसके अंदर ऐसे भी हों और आपको ऐसे भी, मतलब एक जाल जैसा जो हो, दैट इज़ कॉल्ड ग्रिल, राइट. सो आई होप. और हाँ, इसकी अपन जो रेसिपी है वो उससे पूछ सकते हैं कि कैसे किया है इसको. हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड दिस सम्पचुअस, डिलीशियस, सेवरी? Like first of all, we need to prepare the marination. What is marination? क्या होता है? Marination is a combination of masalas and what you call this? Dahi. Dahi. Okay. So that is called marination, and you can prepare your own marination. So marination होता है इसके अंदर, आप दही के अंदर कुछ मसाला सर्व. इससे होता क्या है, मतलब what it adds to the dish? It adds, taste. Of course, that's why we ate it to make it tasty. But what is the impact like paneer? इसमें क्या होता है, मतलब उसको crispy बनाता है? उसको हिंदी मतलब उसको sorry crispy बनाता है या इसके अंदर थोड़ा सा वो एक tint देता है, flavour देता है? Crispy नहीं, flavour. Flavour के लिए ना, तो it gives the tint of what do you call salty? Salt and everything. Okay. Spices. Fine. Absorb कर लेता है. Okay. अभी मैं आप इसके ऊपर मैं बटर लगा रहा हूँ, सो थोड़ा सा कैमरा वॉबल हो रहा है, राइट. वॉबल इज जब थोड़ा सा हिल जाता है, राइट. ओके. सो यस, सॉरी. तो मैरिनेशन में क्या होता है कि आप फ्लेवर्स, आप जो भी आपके फ्लेवर्स हैं वो आप कर्ड या फिर क्रीम, जो भी आप प्रेफर करें आप लगा देते हो. और फिर उसमें आप आपको तो इनको उसके अंदर सोक करके रखना है ना. ओके. ताकि राइट. तो सोक होता है जब आप किसी चीज को भिगोते हो, दैट इज कॉल्ड सोक, राइट. आप इसको डिप भी कह सकते, डिप इज जस्ट डुबोना, है ना, एक बार आपने डुबकी ली. बट सोक इज उसके अंदर उसको भिगो के रखना, जैसे अपन दालें बनाने से पहले वी सोक देम. एम आई राइट? यस. ओके. सो तो सोक और डिप के अंदर ही फर्क होता है. तो आप ये देख सकते हैं, ये आपको बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा, एज आई से दैट इंग्लिश इज एवरीवेयर, राइट. इंग्लिश इज ओमनी प्रेजेंट, OMNIPRESENT, राइट. ये आपके आसपास है. ओमनी एक वर्ड है, यह एक रूट वर्ड नहीं है, यह एक प्रीफिक्स है, राइट. अब ये प्रीफिक्स है, इससे बहुत सारे, ओमनी का मतलब होता है एवरी. सो जिसमें भी आपको अगर आपके पेपर में एग्जाम में आता है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, सो वी कैन से दैट ओमनी प्रेजेंट, राइट. अगर वो कहते हैं कि वन हु नोज एवरीथिंग, दैट इज ओमनी सीएंट. साइंस का मतलब ही होता है किसी चीज को जानना, राइट. जैसे कुकिंग इज साइंस एंड आर्ट, तो पहले आप इसको जानेंगे, राइट. सो जानना इज साइंस. तो जो इसको जानता है दैट इज सीएंट, SCIENT, दैट इज ओमनी सीएंट, राइट. एंड जिसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत हो, सबसे ज्यादा सर्वशक्तिशाली, राइट, दैट इज कॉल्ड ओमनी पोटेंट. पोटेंट का मतलब ही होता है और पोटेंशियल, राइट. सो ये वर्ड्स हैं, आप इनको याद कर सकते हैं. एंड कम बैक टू दिस, राइट, कि आप जो दालों को आप सोक करते हैं, भिगोते हो, राइट, दैट इज कॉल्ड सोक, आप भिगोना.
और आपको मुझे बताना है कि व्हाट डू वी कॉल जब आप किसी चीज को मथते हो, है ना, जैसे अपन, आपको नहीं बताना वीनू, आई नो यू नो इट राइट, कि व्हाट डू वी कॉल जब आप दही में से, छाछ में से जब आप बटर अलग करते हो तो उस प्रोसेस को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू हैव टू टेल मी व्हाट डू वी कॉल दैट प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट बटर फ्रॉम द बटर मिल्क, राइट? ओके, ये जो गर्ल्स हैं जिन्होंने अभी अपने कलिनरी स्किल्स अच्छे करे हैं, राइट, आप मुझे वो जवाब दे सकते हैं. एक और आपको मुझे बताना है कि व्हाट डू वी कॉल चिमटा इन इंग्लिश. एज यू कैन सी दिस इज चिमटा, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ये आपके लिए एक सेकेंड क्वेश्चन है, राइट? ओके, सो ये जो मेरे फ्रेंड ने आज मेरे लिए डिश बनाई है, इट इज़, इसका जो अरोमा है वो बहुत ही स्मोकी रहेगा. अरोमा होता है किसी भी चीज़ की जो एक आपको फ्रेग्रेंस या फ्लेवर जो आपको ऑल फैक्ट्रीज आपके नाक के थ्रू आप तक पहुंचता है, राइट? एनी थिंग रिलेटेड टू योर स्मेल इज कॉल्ड ऑल्फैक्ट्री. और जो किसी का बहुत अच्छा स्टेंच आता है ना, मतलब बहुत तीखी कोई स्मेल आती है, दैट इज कॉल्ड अरोमा, राइट? जैसे जितने भी तंदूर की चीज़ होती है उनका एक अलग अरोमा होता है, राइट? ओके, चलिए. और जो गाइज हुक्का हुक्का जाते होंगे उसको भी, उनको भी पता है कि उसका भी एक अरोमा होता है हुक्के का भी, राइट? आपको मुझे बताना है व्हाट डू यू कॉल हुक्का इन इंग्लिश, दिस इज माय थर्ड क्वेश्चन, राइट? ओके, आप देख सकते हैं जो ये इसको बनाया है, ये मेरा फ्रेंड है, उसने बारबेक्यू ऑनलाइन परचेज किया था. और इसके अंदर अभी हमने कोल जो हैं वो हमारे एक रेटिन्यू हैं जिनका नाम है बत्तीराम जी, वो यहाँ पर लेटे हुए हैं, ही इज लेइंग डाउन राइट ऑन हिज कोट, जो चारपाई होती है उसको हम कहते हैं कोट. सो ही इज लाइंग ऑन हिज लेइंग, यस, लेइंग ऑन हिज कोट, राइट? ओके, तो ये जो है आप देख सकते हैं इसके पीछे जो कोल हमने डाला था वो एक एम्बर्स बन चुके हैं. एम्बर्स होते हैं अंगारे, EMBERS, आई रिपीट, EMBERS, एम्बर्स आर अंगारे, दीज आर दी एम्बर्स, राइट? ओके, अब आपको मुझे बताना है कि व्हाट डू वी कॉल, ये तो एम्बर्स था, अगर आपने आमेर की कभी इंग्लिश में स्पेलिंग पढ़ी हो, दैट इज AMBERS, राइट? आपको मुझे बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, फाइन? ओके, ये है एम्बर्स, EMBERS, एंड ये स्टूडेंट्स, आमेर की स्पेलिंग AMBERS वो आमेर नहीं है, राइट? ओके, फाइन, चलिए. ये बहुत ही एक अच्छी इसका अरोमा आ रहा है, राइट? एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो अब मुझसे, आई कैन नॉट रेजिस्ट, बहुत ही टेम्प्टिंग लग रहा है. ये टेम्प्टिंग होता है जो बहुत ही ज़्यादा आपको उत्तेजित करने वाला, उसको हम कहते हैं टेम्प्टिंग. इससे एक चॉकलेट भी आती है, दैट इज टेम्प्टेशन, राइट? तो ये बहुत ही टेम्प्टिंग लग रहा है मुझे. अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आई कैन नॉट रेजिस्ट कि मैं जल्दी से अब इसको टेस्ट करूँ, राइट? एंड सो ही मेड माई इवनिंग, राइट? ये एक फ्रेज होता है, मेड माई, कि आपने मेरा दिन बना दिया, शाम बना दी, राइट? यू मेड माई डे, ये होता है बेसिकली. इसको आप इवनिंग, आफ्टरनून, जो भी है आप इसको चेंज कर सकते हो, बट यस, इट इज़ ही मेड माय इवनिंग, एंड यस, आई गॉट नॉस्टैल्जिक, दिस इज़ द एरिया वेयर आई स्पेंट मैक्सिमम ऑफ माय चाइल्डहुड एंड ऑल, बिकॉज वी वर इन द सेम एल्मा मैटर, राइट? ओके, ओके, वीनू, व्हाट डू यू कॉल देम इन इंग्लिश, ये जो सलाखें हैं आप बताएंगे मुझे इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉरी, स्क्रूअर्स, SCREWERS, स्क्रूअर्स, राइट? घुमाने वाले जो स्क्रू होते हैं, तो ये घुमाने के लिए होते हैं, दे आर कॉल्ड स्क्रूअर्स. ये इसी बारबेक्यू के साथ आते हैं ना, राइट? आपने ऑनलाइन परचेज करा था, ओके, सो इज इट टू व्हाट यू कॉल एक्सपेंसिव? नो, इट्स नॉट एक्सपेंसिव, यू विल गेट इट अराउंड In between 1000 to 1500. Okay, so 1000 to 1500 के बीच में ये है. So okay. हाँ, it is not a white elephant, right? Burden नहीं है, आप कर सकते हैं. अगर आपको cooking का शौक है, अगर आपको cooking का शौक नहीं है, then it will become a white elephant. White elephant होता है कोई भी चीज़ जो expensive है और आपके लिए एक burden बन चुकी है, that is called white elephant, सफ़ेद हाथी, right? इसके लिए एक sentence भी था, that Indian politicians are a white burden on the economics. अब तो नहीं है, यस, ये था, पहले थे. ओके, सो ये आप देख सकते हैं, नाउ इट इज़ रेडी. और इसका जो प्रोसेस है, इन्होंने बताया था कि यू हैव टू चॉप अनियन, व्हाट यू कॉल, कैप्सिकम एंड कॉर्न अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, कि आपको कौन से साइज प्रीफर है. बट हाँ, थोड़ा थिक लेंगे जिससे कि वो इसमें से पियर्स नहीं हो पाए. अपन जैसे अभी इनको हमने पियर्स कर रखा है, तो आपको उसको थोड़ा मोटा लेना है जिससे कि वो इनकी जो पियर्सिंग है वो टूटे नहीं, समझ रहे हैं, आपकी वो लटक के गिरे नहीं, राइट? सो ये पहला हमारा जो सेट है, इट इज़ रेडी. और ये उन्होंने एक
ग्रेवी टाइप भी बना रखा है, यू कैन टेक इट, बट ये मैरिनेशन का पार्ट है मेरे को वीनू, थोड़ा सा इसको दूर रखो, राइट? ओके, सो दिस इज बटर, राइट? आप ये इस ब्रश से यू कैन जस्ट पेंट इट, यू कैन पुट सम बटर ऑन इट, जिससे कि थोड़ा जल्दी से ये बेक हो जाए और प्लस एक बटर का थोड़ा सा जो है फ्लेवर, यू नो, टच या टिंट दे सकें, राइट? टिंट इज यूज फॉर कलर एज वेल फॉर फ्लेवर, कि उसका हल्का सा टच आ गया, दैट इज कॉल्ड टिंट, TINT, फाइन? ओके, सो टिल देन टेक केयर और होप सो अगर ये ऐसी कल्नरी अपने स्किल्स इंप्रूव करे और मुझे इन्वाइट करता रहे, राइट? सो डेफिनेटली वी गोना सी मोर डिशेज लाइक दैट, राइट? अभी इसने मुझे, हाँ मैंने बताया था पिज्ज़ा भी खिलाया था, बट यस, हाँ ही इज़ अ गुड कुक, फाइन? चलिए, और ये बहुत ही ऑर्गेनिक इनका जो है, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट यस, इनके जो आंटी है उनको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों का और गार्डनिंग का बहुत शौक है, सो शी इज़ इनटू हॉर्टिकल्चर थिंग, तो वो बहुत सारी चीज़ें उगाती हैं. हॉर्टिकल्चर इज़ फॉर फ्रूट, आई नो, डोंट नॉड योर हेड, हॉर्टिकल्चर इज़ फॉर फ्रूट, बट वो फ्रूट्स भी उगाती थी पहले, पपाया भी था, बनाना भी था, बट अभी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक है. चलिए, टिल देन टेक केयर, राइट? ओके, आपको मुझे बताना है एक और क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज, यू हैव टू टेल मी व्हाट डू वी कॉल अंगूरों की खेती. यस विनू, नो? ओके, सो यू हैव टू टेल मी अंगूरों की खेती, सिल्क की खेती, और मछली पालन, और मुर्गी पालन, राइट? ये आपको मुझे बताना है, फाइन? ओके, टिल देन टेक केयर.